भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़ आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेता और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके हो लूटने वालों पर चोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी, उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। चार जून पड़े भ्रष्टाचारी देर अपोरे एक्शन आरो तीव्र होवे। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है, मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले। और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है।